देशों में क्रेडिट रेटिंग देने वाली अमेरिकी संस्था मूडीज ने संप्रभु देशों की रेटिंग में भारत के स्थान में सुधार करते हुए Baa2 कर दिया है। मूडीज ने 13 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग में किया है। इसमें पहले साल 2004 में संस्था ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते हुए उसे Baa3 दिया था। मूडीज का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सुधारों से कारोबारी माहौल में सुधार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, विदेशी घरेलू निवेश में प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही मजबूत और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किए गए बड़े आर्थिक और संस्थागत सुधारों को दर्शाती है। मूडीज ने भारत सरकार की ब्रांड रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर Baa2 कर दिया है, जो कि 2004 के बाद यह पहला सुधार है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि मूडीज की रेटिंग एक स्वागतमक योग्य कदम है और ये काफी लंबे समय से प्रतीक्षित था।